बिहार की राजनीति में फिर आने वाला है भूचाल। प्रशांत किशोर ने कर दिया है बड़ा ऐलान, नई सरकार बनने के बाद भी सब कुछ नहीं हुआ है शांत। अब इस सवाल का जवाब तो पीके ही दे पाएंगे जी, प्रशांत किशोर जिनकी राजनीतिक भविष्यवाणी अक्सर सटीक बैठती है, जिन्हें एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है, जिनकी रणनीतियां अक्सर किसी न किसी तरह से सत्ता पर विराजमान होने में उस पार्टी की मदद कर देती हैं जिस पार्टी का साथ प्रशांत किशोर दे रहे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल प्रशांत किशोर अपने लिए मैदान सेट कर रहे हैं, अपने लिए पिच तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वो भी बिहार की राजनीति में उतरना चाहते हैं। जी, बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कह दिया, बल्कि हम तो कहेंगे कि उन्होंने दावा कर दिया है कि बिहार में आए राजनीतिक भूचाल के बाद अभी और भूचाल आएगा। उन्होंने कहा, बिहार की राजनीति अभी 180 डिग्री पर घूमी है, अभी इसका और घूमना बाकी है। बेशक बिहार में सरकार बदल गई है, लेकिन पर्दे के पीछे अभी बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अगर अब बिहार में उलट फेर होता है तो वो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। भरोसा रखिए, अभी 180 डिग्री घुमा ना बिहार में, तीन महीने के अंदर पूरा 180 डिग्री घूम गया, और अभी क्या क्या चल रहा है पीछे किसी को पता नहीं है। आप अभी देखिए कि कितनी बार घूमेगा। अब जनता तो यहाँ सोच रही थी कि फिलहाल के लिए कम से कम कुछ दिन तो बिहार में राजनीति स्थिर रूप से चलेगी। वहीं अपने बयान से प्रशांत किशोर ने इस विचार को भी हवा कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आगे क्या। बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने लालू की पार्टी से हाथ मिला लिया, महागठबंधन कर लिया, ऐसे में अब ऐसा क्या है जो होना बाकी है। जब लोगों के दिमाग में प्रशांत किशोर का ये बयान घूमा तो फिर इस पर उन्होंने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दी। अपनी सोच के अनुसार तुक्का भिड़ाया कि अगला अब बिहार में क्या हो सकता है। संजय कुमार नाम के यूजर ने लिखा, किस बात का भरोसा रखने को कह रहे हैं प्रशांत किशोर साहब, यही ना कि नीतीश कुमार फिर मोदी के साथ चले जाएंगे। अब अगर कोई इन्हें मोदी जी का एजेंट कहता है तो इसमें आश्चर्य क्या है। मृगांको सिंह ने लिखा, देश के हर विपक्ष का चुनावी साजिशों से निपटने के लिए विकास में तेजी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास के माध्यम से ही प्रत्येक साजिशों को निस्तनाबूद किया जा सकता है, और सावधान रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। मृगांको ने यह भी लिखा कि आप लोग प्रशांत किशोर को हल्के में मत लीजिए, उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल को ही देख लीजिए। अब प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में भूचाल आने के लिए दिए गए बयान के मायने क्या है ये कोई नहीं समझ पा रहा। भूचाल आ रहा है तो किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा आ रहा है, फिलहाल तो ये कुछ भी समझ पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि पीके इन दिनों तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन उसका अंत क्या होने वाला है। अपनी इन तैयारियों से पीके को कुछ विशेष लाभ होने वाला है, क्या अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर पीके को अपने लिए नया समीकरण बनाना है, इस सब को लेकर अभी कश्मकश है। हालांकि सूत्रों से खबर मिली थी कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक पार्टी साल 2024 के मध्य तक अस्तित्व में आ सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2025 में जब चुनाव होंगे तो उसमें लड़ने वाली एक प्रशांत किशोर की भी पार्टी होगी। इसे प्रशांत किशोर की तरफ से बिहार की जनता को एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दावा ऐसा किया जा रहा है कि वो बिहार को एक ऐसा राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं जो जाति की राजनीति से ऊपर बिहार के पिछड़ेपन के पीछे के मूल मुद्दों तक पहुंच सके। पीके बिहार में कुछ नहीं तो कम से कम 200 से 250 जनसभाएं कर चुके हैं, तो क्या यही मेहनत है जिसके बल पर पीके राजनीतिक भूचाल लाने की बात कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भरोसा रखिए, अभी 180 डिग्री घुमा ना बिहार में, तीन महीने के अंदर पूरा 180 डिग्री घूम गया, और अभी क्या क्या चल रहा है पीछे किसी को पता नहीं है। आप अभी देखिए कि कितनी बार घूमेगा।